कि अगर प्रोग्राम बंद हो गया, काफ़ी लोग आ रहे हैं, अब ऐसे एक्सक्यूजेस मत बनाना कि इस सिटी में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। तो नोवा स्कोशिया को लेकर ना हर एक के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई काफ़ी लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, हमें जॉब मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे देखो पता तो है पीआर प्रोग्राम के बारे में, ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, बट देखो मैं लाइसेंस्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ। बट मैं आपके साथ कुछ एक दो चीज़ें ऐसी शेयर कर सकता हूँ जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि भाई यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी, हमें एम्प्लॉयर सपोर्ट कर देगा या नहीं। देखो भाई, एम्प्लॉयर यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते। बट इसका सोल्यूशन क्या है? एवरी प्रॉब्लम इज़ टेम्प्रेरी एंड एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। यहाँ का जो AIP प्रोग्राम है, उसकी डेजिग्नेशन ज़्यादातर जो लोकल बिजनेस है वहीं लेते हैं। तो अगर हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो AIP में हमारे चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। सपोज़ करो कि उस लोकल बिजनेस ने रेजिग्नेशन नहीं ली, उनको पता नहीं है, आप उनको बता सकते हो या फिर आप उनके साथ PNP की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ही मेन प्रोग्राम है, एक है भाई PNP एंड एक है AIP। ये इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी कंपनीज़ आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। कुछ कंपनीज़ को पता होता है कि भाई ऐसा करके इस प्रोविंस में ये प्रोग्राम्स हैं एंड इमिग्रेंट्स काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट कुछ कंपनीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं कि वो अपना पेपर वर्क किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। बट हमें हमेशा पूछना चाहिए, अगर कोई भी आपको रिस्पॉन्स आता आप उनसे बात करो। बट जैसा मैंने बताया, जो लोकल बिजनेस होते हैं आप उनको टारगेट करो। अभी बात कर लेते हैं कि जब भी मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ कि भाई टाइम लग सकता है, कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, अपना डिसीजन चेंज करने लगते हैं। मैं बिल्कुल समझता हूँ, हर एक बंदा ये चाहता है कि भाई मैं अगर आज मूव हो रहा हूँ नेक्स्ट डे मुझे जॉब मिल जाए। जब भी हम कुछ नई शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग हमेशा मुश्किल ही रहती है, तो हमें अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा स्किल्स होती हैं, तो आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं हायर होने के, तो आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हो। एंड अभी आपका क्वेश्चन होगा कि हम कहाँ पर मूव करें। ऐसा नहीं है कि हैलिफैक्स में आपको जॉब नहीं मिलेगी, डार्टमाउथ में जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपने मूव होने का प्लान बना ही लिया है, एक बार ध्यान से सोचो, आप एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में आ रहे हो, तो आपको सिटी मैटर नहीं करनी चाहिए। आपने क्या करना है, पूरी प्रोविंस में जॉब्स अप्लाई करनी है, जहाँ पे आपको जॉब मिले वहाँ पे आपने मूव होना है। अब आप कहोगे अकोमोडेशन, उसकी तो देखो प्रॉब्लम आएगी, थोड़े टाइम के लिए आप Airbnb यूज़ कर सकते हो, बाद में आपको कोई अपार्टमेंट या रूम मिल सकता है, तो एडजस्ट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू गाइज आर अप्लाइंग ऑनलाइन, इंडीड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। रेज्यूमे बनाओ, ध्यान से देखो कि डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको रीफ्रेश करके लिखो एंड अपने रेज्यूमे में ऐड करो। उससे काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे कि आपको रिस्पांस आएगा। रेज्यूमे तो देखो आपको ड्रॉप करने पड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप बाहर गए एंड किसी ने अच्छा आपको रिस्पांस नहीं दिया, एकदम से आप नेगेटिव हो जाओगे। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ आपकी सिचुएशन, बट भाई क्या कर सकते हैं, इमिग्रेशन रूल्स ही ऐसे चेंज कर रही हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नोवा स्कोशिया ही देखना है, आप न्यूफाउंडलैंड देख सकते हो, न्यू ब्रंसविक देख सकते हो, हर एक प्रोविंस के आप प्रोग्राम देखो, हर एक जगह पे अप्लाई करो। एंड आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प कर रहा है तो भाई आपको मूव होना चाहिए। अब ऐसे एक्सक्यूज़ मत बनाना कि इस सिटी में नाइट लाइफ नहीं है, यहाँ पर इतना अच्छा माहौल नहीं है। अगर यही बहाने बनाने हैं तो भाई वर्थ इट नहीं है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे नखरे से अगर आपने करने हैं तो देखो वो आज की सिचुएशन में इतने अच्छे बहाने नहीं हैं, मैं तो यही कहूँगा। बहाना तो वैसे कोई भी अच्छा नहीं होता, बट काफ़ी लोगों से मिला हूँ, बातचीत होती रहती है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं समझता हूँ कि आदतें बनी होती है, सिचुएशन ही ऐसी बनती है कि हमें अपनी आदतें भी बदलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, इमिग्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, चेंजेस कर रही हैं। अभी कुछ ऐसे थॉट्स भी आएंगे आपके मन में कि अगर प्रोग्राम बंद हो गया, काफ़ी लोग आ रहे हैं, गारंटी कोई नहीं है, ना ही इमिग्रेशन ऐसा कुछ बताती है, तो एक ही चीज़ होती है जो हम ट्राई कर सकते हैं, वो होती है अपने एफर्ट्स, कहीं बाद में पछतावा ना हो कि भाई हमने वो भी नहीं ट्राई करा। जैसे कि जब मेरा एक साल का एक्सपीरियंस हुआ था तो मैं 4-5 महीने वेट ही कर रहा था इंटेरियो में, तो बाद में मैंने सोचा कि यार काश मैं एक साल के बाद ही डायरेक्ट मूव हो जाता या सीधा ही नोवा स्कोशिया चला जाता पढ़ाई करने के लिए या कुछ भी। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी पॉइंट पे ऐसा सोचें, तो इससे अच्छा है पहले ही कोई ना कोई प्लानिंग करके रखे। रूल्स वगैरह उनके हाथ में है, हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे तो अगर रूल्स चेंज होने लगे तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो एंड जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है उसी में ट्राई करो, उसी में आपके चांसेस ज़्यादा है। बाकी रिक्वायरमेंट्स को एक बार जरूर चेक कर लेना, अगर एक रिक्वायरमेंट भी मिसिंग है तो आप एलिजिबल नहीं हो,
एज की क्या रिक्वायरमेंट है आपके एम्प्लॉयर की। जिस एम्प्लॉयर ने पहले सपोर्ट करा उसको तो सब कुछ पता होगा, बस आपको थोड़ा ध्यान से चलना है। बाकी अगर कोई आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है पर्टिकुलर कि हाँ भाई इस चीज़ के बारे में बता दो या फिर इस शहर के बारे में बता दो, डेफिनेटली वीडियो बना देंगे। तो प्लीज़ इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ कनाडा के रिगार्डिंग ही नहीं बाकी और भी काफ़ी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगा आपके साथ जो नॉलेज को लेकर हैं, बुक्स को लेकर हैं, ताकि हम सभी टाइम के साथ आगे सीखते रहें। तो इतना ही था आज की वीडियो में, थैंक यू आप सभी का, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।